हेलो प्यारे बच्चों, सबको आज की नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज हम सामाजिक विज्ञान की बुक जो है संसाधन एवं विकास, उसके भाग दो दो पर चर्चा करेंगे। इसमें हम पहला लेसन जो है संसाधन पर बात करते हैं। तो संसाधन पहला पाठ है हमारा और आप सभी मेरे साथ इसके अध्ययन करें। तो संसाधन क्या है? तो सबसे पहले संसाधन क्या है? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो यहां हम पाठ पढ़ते हैं तो क्या कहता है, मोना राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो। उन्होंने क्या देखा? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल और किताबें। इसमें प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, मोना ने क्या कहा कि वस्तुएं उपयोगी है, तो अम्मा ने क्या कहा कि ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही आया कि संसाधन क्या है, जिसका उत्तर हमने क्या पाया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इस प्रकार आप जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो तो कम से कम 10, 12, 15, 20 जितने भी अधिक नाम गिन सकते हो अपने माइंड में गिनिए। ध्यान कीजिए कि किन किन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो। जैसे अभी किताब का उपयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये संसाधन हो गया। आपने अपने मुंह पर मास्क लगाया तो ये भी संसाधन हो गया। इसी प्रकार मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी संसाधन हो गया। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन के लिए क्या करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता या माता ने आपके लिए जो नाश्ता बनाया सुबह सुबह, वे उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी हमारे लिए क्या है, संसाधन। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी वाला, पाठ्य पुस्तक, हमारा मोबाइल, हमारा मास्क, सब कुछ एक जैसा क्या है इन सब में। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे क्या है, उपयोगी हैं। जिन वस्तुओं का हम अपने हित के लिए उपयोग करते तो वो हमारे लिए उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसे क्या बनाती है, संसाधन। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। वस्तु या पदार्थ को उसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते, अम्मा ने बताया। अब मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। हम लोग क्या करते हैं, मूल्य को जानते हैं कि कीमत, कि मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, तो वो 5 रुपए हमारे लिए मूल्य, लेकिन उसके साथ उसका महत्व भी होता है। तो मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का, धातुएं जैसे हम सोना, चांदी, पीतल, तांबा, आका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य यानी प्राकृतिक दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। प्राकृतिक दृश्य कैसे, जैसे नदियां, झरने, पहाड़, ठीक है, और रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीले, और छत पर अगर आप खड़े देखो तो पेड़ पौधे दूर तक नजर आते हैं, तो ये सभी क्या है, भूदृश्य है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ज्ञान रखते हैं लेकिन उनकी वाणिज्यिक मूल्य यानी वाणिज्यिक मूल्य, व्यापारिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल द्वारा, फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते। यानी कोई, अब शब्द आ गया हमारे सामने, पेटेंट क्या है? पेटेंट को जानने के लिए यहाँ हम देखें तो पेटेंट का अर्थ है, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार ही पेटेंट कहलाता है। यानी किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है, पेटेंट। तो चाहे आपके
या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके नुस्खे ही क्यों ना हों। ठीक है, इस प्रकार हम आगे चले तो यहाँ आती है बात कि समय और प्रौद्योगिकी दो कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और समय और प्रौद्योगिकी के कारण ही नए नए आविष्कार होते जाते हैं। ठीक है, तो पहले फोन जो अपन बेसिक फोन था उसका उपयोग करते थे, तो आजकल हम उसका उपयोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, तो मोबाइल उसकी जगह ले रहा ना। तो समय और प्रौद्योगिकी में हमेशा चेंज होता रहता है। दोनों ही वस्तु या पदार्थ को महत्वपूर्ण बनाते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी हम पीछे पढ़ के आए ना कि संसाधन क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ। लेकिन यहाँ ये भी बातें हैं कि मानव भी एक संसाधन है, ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, जैसे कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का शुरुआत या प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार ने अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास किया। जल विद्युत बनने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, तो जल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें यहाँ जो शब्द आया प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, तो इसके जानने के लिए ये नोट करें कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कोई भी वस्तु कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। तो इस प्रकार हम अब पढ़ेंगे कि संसाधन के प्रकार। सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी सीधे हम उपयोग में ला सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मिट्टी, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति ने निशुल्क उपहार दिए हैं हमें और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी अभी आपको बताई ना कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप, यानी प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। देखिए, सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, सुबह फिर आ जाता है ना, तो ये कभी समाप्त नहीं हो रहे। पवन ऊर्जा की भी पुण्य, आज हवा चल रही है, सब हवा हमेशा ही वायु पर्यावरण में रहती है ना, वायुमंडल में है ही, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, सबसे ज्यादा असीमित, लगातार इसका नवीकरण होता रहता है। कैसे, हमारे समुद्रों, नदियां, तालाबों का जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर, गर्मी के कारण वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है और वर्षा के रूप में पुनः पूरित हो जाता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब आई बारी हमारी अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण जैसे कि शब्द में उसमें लिखा था नवीकरण और इसमें लिखा है अनवीकरण, दो प्रकार पड़े ना प्राकृतिक संसाधनों के। तो वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि समय जीवन अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार संसाधन
अयनवीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। तो कोयले को जला दिया, पेट्रोलियम को गाड़ी में डाल दिया और प्राकृतिक गैस को हमने चूल्हे में जला लिया। तो इस तरह इन तीनों को अगर जला दिया अलग अलग करके तो दोबारा इसको नहीं जला सकते। एक बार कोयला जल गया तो वो राख बन जाएगा, पेट्रोल पर जल गया तो धुआं बन के उड़ जाएगा, उसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इन संसाधनों को अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। अब हमारे पास एक सवाल आया कि नवीकरण संसाधन क्या है, जिनकी पुण्यपूर्ति होती है, अनवीकरण संसाधन जिनकी पुण्यपूर्ति नहीं होती। नवीकरण संसाधनों का उदाहरण क्या है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और अनवीकरण का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। आगे हम पढ़ रहे हैं मानव निर्मित संसाधन। अभी हम पढ़ के हैं ना संसाधनों का वर्गीकरण, उसमें हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, और जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। देखो, सड़क, पुल और मशीनें और वाहन बनाए, तो ये लोह अयस्क से हमने लोहा निकाला, उसको फिर ढाल कर हमने मशीन बनाई, वाहन बनाए, ठीक है, फिर सड़कें जो हैं कंकर, पत्थर, ठीक है, इनसे बनाई, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इस प्रकार हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। और मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू, ये स्वीकृति में सिर हिलाया, हाँ भाई, मानव जीवन संसाधन है। तो आज के पाठ के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा, दोबारा देख लें। मेरे कुछ सवाल हैं, इनके जवाब आपने ढूंढने हैं। संसाधन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन, ठीक है। उनकी उपयोगिता, पदार्थों की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है, ठीक है। और प्रत्येक संसाधन मूल्यवान होता है, उसका मूल्य होता है आर्थिक मूल्य। कुछ पदार्थों, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं, ठीक है। और एक शब्द आया था पेटेंट, पेटेंट क्या है वो भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमारे सामने प्रौद्योगिकी आई, उसका भी अर्थ हमने ज्ञान कर लिया। फिर संसाधनों का वर्गीकरण, और उसको भी हमने देख लिया कि संसाधन तीन प्रकार से देखे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। और फिर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, दोनों के उदाहरण पढ़ लिए। तो अब सवाल है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, उसके प्रकार बताइए उदाहरण सहित, ठीक। फिर मानव निर्मित संसाधन क्या है और उसके उदाहरण बताइए, जिसमें आप सड़क, पुल, मशीन, वाहन बता सकते हो। और एक विशेष प्रश्न कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अलग अलग क्यों होता है, तो उत्तर यहाँ मिलेगा बेटा जी, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसी कारण पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान पाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मानव संसाधन पर चर्चा करेंगे और फिर हमारे लेसन में उठने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आज का इतना ही, ओके।